हिंदू मुस्लिम की वजह से मुस्लिम जो है वो कहीं डरा हुआ, मुस्लिम जो है वो डरा हुआ है क्या कि जिसके वजह से वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए ऐसा है, हो सकता है कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम को लगता हो कि हाँ कोई डर होगा उन्हें, लेकिन मैं मुसलमान भाइयों और हिंदू मुस्लिम ये उत्तर प्रदेश में ये सब करना ठीक नहीं। देखो या तो अगर आप मुसलमान से घृणा करते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप सरकार में थे फिर आपने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश से भगा क्यों नहीं दिया? अगर आप हिंदू मुस्लिम करते हैं तो उनको भगा क्यों नहीं दिया? हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये फिर नारा, ये सब अपने भारत से ही ये नारा निकला है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो भाई देखिए विकास की बात करिए, मैं कहता हूँ निष्पक्षता से कि धर्म के नाम पर बांटना अच्छा नहीं। आप लोग निष्पक्षता से बात करिए। सर चलिए आप, हाँ बताइए आप कुछ कह रहे हैं। चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं। धर्म के हिसाब से अगर बांटने की बात हुई है तो शुरुआत किसने की? शुरुआत की माननीय अखिलेश यादव जी ने। आपने जो अपना कब्रिस्तान बनता है वहाँ के लिए अलग अतिरिक्त नदी का प्रबंध क्यों किया? आपने अगर आप बांटने का काम नहीं करते हैं तो आप हिंदुओं के लिए आपने ऐसा अलग क्यों किया? आपने क्या कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी? नंबर एक लगाई या नहीं लगाई? बताओ भैया लगाई या नहीं लगाई? लगाई भाई हिंदुओं के लिए। अगर ध्वनि प्रदूषण था लाउड स्पीकर बजाने से तो आपने किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर क्यों नहीं उतरवाए? उतरवाना चाहिए था, नहीं उतरवाना चाहिए था? बात करते हैं राम मंदिर की। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमें तो श्री राम चाहिए थे। कोर्ट में इसी टाइम पे राम मंदिर बना भैया। दूसरे धारा जो कम सिमित जैनके, मैं आर्मी के रहने वाला हूँ, मैं आर्मी का हूँ, आर्मी से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने जैनके देखा है, फेस किया है। उसमें हम देखते हैं जो शांति का रूप था वो बीजेपी सरकार से आया। मुस्लिम पर वोट बैंक भाजपा बढ़ाती है। देखिए ये उनके पास सिर्फ चार शब्द है, पता क्या है? हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद। उत्तर प्रदेश की जनता मेरे भाई अब जान चुकी है, अब धर्म और अधर्म, ये धर्म के नाम पर बटने वाला अब काम खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम की बात तो समाजवादी पार्टी भी करती आ रही है हमेशा से। नहीं देखिए सुनो, अब वो कहते हैं कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी। मैं उनसे एक सीधा सवाल एक पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, आप मुझे बताइए कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने गोली चलवाई तो उस समय सरकार किसकी थी? बताइए मुझे किसकी सरकार थी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो अगर मुलायम सिंह ने उस समय गोली चलवाई तो आप क्या करते रहे? आपने उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? आप मुझे बताइए। और अगर आप ये कहें कि वो देश के रक्षा मंत्री थे तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखाया जा सकता, तो फिर इंदिरा गांधी क्यों जेल गई? मुझे बताइए धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था की क्या हालत है आज की डेट में उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था ठीक, कानून व्यवस्था अच्छी है, कानून लेकिन बात करके क्या? आप तो ज्यादातर साइकिल वाले बोलते हो, उनके सामने जाएंगे, अगर फूल वाला बोलेगा तो हट जाएंगे, निर्दलीय बोलेगा तो हट जाएंगे, हम तो यही देख रहे तब से। उस दिन फूल वाले मीडिया के आते बिके हुए तो वो भी हमसे बात करते, लेकिन मेरी आवाज कट कर दी, हमने मोबाइल पे देखा वो ही आज आलम देखा। हमारी तो जेब खाली है, किसी से है? नहीं।